वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा दसवीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग दो पाठ दसवां। पाठ का नाम है आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कक्षा दसवीं का विज्ञान भाग दो का दसवां पार्ट है। इसके पहले मैंने नौ पार्ट के वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके, साइंस और टेक्नोलॉजी नाम का प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर उन सारी वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपदा मतलब क्या होता है, आपदा किसे कहते हैं, जो आपदा प्रबंधन है, आपदा मैनेजमेंट है, वो क्या होगा, पहले समझते हैं कि आपदा प्रबंधन करने से पहले आपदा होती क्या है। स्टूडेंट्स, आपदा मतलब होता है कि ऐसी कोई घटना जो बिना बताए आ जाए, कोई ऐसी घटना जो बिना बताए हो जाए और जिसकी वजह से जनता को क्या हो, बहुत हानि हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हो, जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा कहेंगे। तो आपदाएं जो होती है स्टूडेंट्स, दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित आपदा होती है और प्राकृतिक आपदा होती है। ठीक है, आपदाओं के स्वरूप के हिसाब से आपदाओं के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम लोग पूरी इस वीडियो के अंदर आपदाओं के प्रकार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस घटना के कारण जनमान मतलब जनता की और संपत्ति का भारी नुकसान पहुंचता है, तथा जो घटना अचानक एकाएक होती है, मतलब ऐसी घटना जिसकी वजह से जनता की मृत्यु हो जाती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान होता है, और ऐसी घटना जो क्या होती है, अचानक हो जाती है और एकाएक होती है, जिसके बारे में किसको मालूमात नहीं होती, वो अचानक हो जाती है, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपदा कहेंगे। तो आपदा मतलब समझ में आ गया। चलिए, आपदा मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से हो सकती है। दो प्रकार से आपदाएं हो सकती है, या मानव की वजह से आपदा हो जाएगी, या तो प्राकृतिक निर्मित आपदा हो जाएगी। वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और मानव निर्मित आपदा क्या होती है। तो आपके परिसर में घटित कौन सी आपदाओं का अनुभव आपने किया है। स्टूडेंट्स, आप लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास आप लोग बहुत सारी आपदाओं का अनुभव किया होगा। आप लोग किसी जगह बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाती है, ठीक है ना, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदा, जैसे दंगा फसाद हो गया, गोली वोली चल गई कहीं पर, तो इस तरह की मानव निर्मित आपदाएं आपने आसपास देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन दो एग्जाम्पल को 29 अगस्त 2017 के दिन जब मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मुंबई बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जनमाल की हानि थी और संपत्ति की बहुत हानि होती, जिसकी वजह से जो सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना, यातायात संचार माध्यम, सारी चीज़ क्या हो गई थी, बंद करनी पड़ी थी। उसी प्रकार 26 नवंबर 2008 को, जिसको 26/11 नाम से फेमस किया गया है, 26/11 जो हमला हुआ था, ठीक है, कसाब द्वारा, ठीक है ना, पाकिस्तान का आतंकवादी था, वो कसाब द्वारा 26/11 को हमला किया गया था 2008 में, मुंबई में ताज होटल है उसके ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे निरपराधी लोगों की जान गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इसके बारे में आपको देखना, 26/11 नाम की पिक्चर भी बनी है, उसके ऊपर मूवी बनी है, आप उस मूवी को भी देख सकते हो। ठीक, इन आपदाओं का स्थानीय और आपस की स्थिति पर कौन सा परिणाम होता है। जब आपदाएं आती है तो वहाँ के स्थानीय और आसपास की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कोई आपदा आई तो उस आपदा की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो जैसे मैंने ऊपर दो एग्जाम्पल बताया, उन्हीं एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। सभी स्थान पर जब बारिश आई थी, तो सभी स्थानों पर कब बारिश आई थी, स्टूडेंट्स आपको मालूम है 29 अगस्त 2017 को मुंबई में बाढ़ आ गया था, तो उस समय सभी स्थान जहाँ पर उथले पुथले नीचे भागते वहाँ पर सब जगह पानी जमा हो गया था, इस प्रकार यातायात क्या हो गया था, पूरा बंद हो गया था, रास्ते पर बड़े वृक्षों के गिरने से अनेक दुर्घटनाएं हो गई, रास्ते जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो गिर गए थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं, बहुत सारी जो गाड़ियां थी वो पूरी खराब हो गई, टूट चुकी थी, रोड या रास्ते पर पानी भर जाने से या जमा हो जाने से बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है। पाठशाला और कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे, ठीक है, ऑफिस गए लोग ऑफिस में फंस गए, क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते थे, क्योंकि पूरे रास्ते में क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, लोग आ नहीं पा रहे थे अपने घरों में, जो ऑफिस में थे वो ऑफिस में रह गए थे। आतंकवादी हमलों में, जो 26/11 को जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में ताज होटल में, ठीक है, सबसे पहले CST में भी उन्होंने बम लगाए थे, CST में बम लगाए थे, मतलब बंदूक गोली वोली चली थी वहाँ पर, तो इस तरह से सैकड़ों ने निर अपराध लोग थे वो लोग मारे गए, और जैसे प्रसिद्ध होटल ताज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब आगे तो आपदा डिजास्टर कहते हैं, पर्यावरण बहुधा कुछ भयंकर धोखादायक घटनाएं, पर्यावरण में जो जब भी कोई धोखादायक घटना होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा कहेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो प्राकृतिक आपदा, दो प्रकार की आपदाएं होती, प्राकृतिक आपदा या तो मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर किसे बोलेंगे, पर्यावरण में अचानक होने वाले परिवर्तन। देखो, पर्यावरण में अचानक होने वाले परिवर्तन मतलब क्या हो सकते हैं आप लोग, तापमान का बढ़ना, तापमान का कम होना, तेजी से हवाएं चलना, ये सभी क्या हो जाता है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाना, बारिश बहुत कम हो जाना, ये किसकी वजह से होता है, ये
पर्यावरण की वजह से होता है, ठीक है। नदियों में आने वाली बाढ़, सूखा, गीला अकाल, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत कम बारिश होना, तूफान आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। यह मानव पर अचानक आने वाले संकट है, ये मानव पर अचानक मतलब बता के नहीं आते हैं, ये संकट अचानक आ जाते हैं। इन घटनाओं के कारण पर्यावरण में आकस्मिक परिवर्तन होता है, मतलब ऐसा परिवर्तन होता है जो कभी सोचा नहीं गया हो, और बिंदुवस्तक घटनाएं होती, बहुत बहुत ज़्यादा घटनाएं हो जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जनमान की हानि होती, साथ ही साथ संपत्ति की बहुत हानि होती है आपदाओं की वजह से, चूँकि प्राकृतिक प्रकोप के कारण ये घटनाएं घटित होती है, ठीक है ना। ये जितनी भी घटनाएं होती है वो प्राकृतिक आपदा के कारण होती है, प्राकृतिक वजह से होती है, इसलिए इन घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझा होगा प्राकृतिक आपदा किसे कहा जाता है। अभी समझ लेते हैं मानव निर्मित आपदा किसे कहेंगे। टॉपिक मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा मतलब आप लोग जानते हो कि मानव आज अपने वृद्धि और विकास के लिए पर्यावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जंगलों की कटाई कर रहा है, जब जंगलों की कटाई करेगा स्टूडेंट्स कोई भी इंसान, ठीक है, तो वहां पर बादल नहीं बने, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी पृथ्वी पर, उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है, वनस्पतियां करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का तापमान बढ़ेगा, पर्यावरण का तापमान बढ़ेगा तो ओजोन जो परत है उसके अंदर छिद्र निर्माण हो जाएंगे। अब जब ओजोन की परत में छिद्र निर्माण हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि सूर्य प्रकाश से बहुत सारी ऐसी विषैली किरणें आती हैं जिनको आपको पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है। वे पराबैंगनी किरणें कहाँ पर आएंगी, जमीन पर आएंगी, और जो जमीन पर आएंगी तो उससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, और साथ ही साथ उससे मनुष्य के अंदर त्वचा के कैंसर के रोग होते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, मानव अपने विकास के लिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और बाद में ऐसी आपदाएं आती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा आतंकवाद, ये भी क्या है, मानव निर्मित आपदा है। फिर आप लोग मानो जनसंख्या, ये भी क्या है, मानव निर्मित आपदा, कि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी, ठीक है ना, खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी। अब जब खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वे लोग क्या करेंगे, गलत कामों में जाएंगे, जो गलत गलत काम होते हैं, चोरी करना या डकैती करना या लूट खसोट करना, ये सारे काम करेंगे, ये भी क्या है, एक तरह की आपदा है। पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग विकास के लिए करते समय पर्यावरण को हानि पहुँचती है। मानव ने क्या किया, पर्यावरण का जब पर्यावरण जो भी घटक है उनका उसने अपने विकास के लिए उपयोग किया जिसकी वजह से पर्यावरण को हानि पहुंची। इसी से अचानक मानव को अनजान ऐसी कुछ आपदाएं घटित होती हैं, इसी वजह से मानव को कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती जो अनजाने हो जाती, मानव को लगता नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने से कोई घटना होगी, लेकिन ऐसी घटनाएँ घट जाती है, उन्हें मानव निर्मित आपदा कह सकते हैं। और फिर हम लोग ऐसी आपदाओं क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित आपदा कह सकते हैं। इस प्रकार की आपदाएं मानव निर्मित कार्यों के कारण होती है। अब जो ये आपदाएं होती है, एक इसकी वजह से होती है, मानव की वजह से होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित आपदा कहेंगे। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अनुसार आपदा की क्या परिभाषा होती है, ठीक है ना। आपदा अर्थात ऐसी घटना जिसके कारण आकस्मिक रूप से जिसके बारे में मालूम ना हो कि वो आपदा कब आती है, से अत्यधिक जनहानि होना, आकस्मिक रूप से अत्यधिक जनहानि होना तथा इसी प्रकार हानि होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा कहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आपदा किसे कहा जाएगा, मतलब ऐसी घटना जो आकस्मिक रूप से आती है और जिसकी वजह से अत्यधिक जनमाल की हानि होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा कहेंगे, ठीक है। तो मानवीय आपदा समझा होगा आप लोग को, प्राकृतिक आपदा भी समझा होगा। चलिए अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, आपदाओं के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या सीखना हमको, कि चलो आपदा तो आ गई, अब आपदा आने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, आसपास की परिसंस्था पर। तो जैसा जिस स्थान पर आपदाएं आती है उस क्षेत्र का साधन संपत्तियों का अत्यधिक नुकसान होता है, सही बात है। जहां पर आपदा आएगी वहां की साधन संपत्ति क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए वहां पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, तो सारी इमारतें गिर जाएंगी। यदि कोई सांस्कृतिक धरोहर है या सांस्कृतिक विरासत कोई चीज़ है तो उसका भी क्या होगा, नुकसान होगा। वित्तीय और जनहानि होती है, पैसे की भी हानि होती है, साथ साथ जनहानि होती है, और दीर्घकालीन परिणाम होता है, मतलब ऐसा कुछ परिणाम हो जाता है जिसका परिणाम बहुत लंबे समय तक चलता है। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो अमेरिका ने 1945 को 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। ये परिणाम जो होता है वो दीर्घकालीन था, वहाँ पर आज भी बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये परिणाम वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कानूनी और प्रशासकीय होता है। जो ये परिणाम होता है वो वित्तीय पैसे में भी होगा और सामाजिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा और राजकीय, यानी मतलब ये सभी तरह से हानि लोग पहुँचाते हैं। जिस क्षेत्र में आपदाएँ आती है वहाँ का जनजीवन क्या होता है, तहस नहस हो जाता है। वहाँ का जो जनजीवन रहेगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, और जब तक उसका पुनर्वसन किया जाएगा तब तक वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा लोग
मर चुके होते हैं। आपदा ग्रस्त को जनधन तथा अन्य प्रकार की हानि होती है। प्रत्येक आपदा का कालखंड अलग अलग होता है। सही बात है, प्रत्येक आपदा, कोई भी आपदा होती है, सबका कालखंड अलग होता है। कोई जैसे भूकंप होते हैं या वो मिनटों के लिए आते हैं, ज्वालामुखी हो गया वो कई दिनों तक आते हैं, बाढ़ हो गया, इसका अलग अलग आपदाओं क्या होता है, कालावधि क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। कुछ आपदाएं अल्पकालिक, कुछ आपदाएं दीर्घकालिक होती है। कुछ आपदाओं का जो समय होता है वो बहुत कम, समय जो होता है बहुत कम होता है, और कुछ आपदाओं का समय बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग बात करें भूकंप, तो भूकंप का समय जो है बहुत कम है, लेकिन उससे जो इफेक्ट होता है, उससे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम लोग बाढ़ की बात करें तो दीर्घकालिक प्रभाव है, ठीक है ना, ये बहुत लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि आया और दो घंटे में चला जाए, दो चार दिन तक रहता है। प्रत्येक आपदा के घटित होने में कारण भी भिन्न भिन्न होते हैं। जितनी भी आपदाएं होती है, सबका आने का जो कारण है वो भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। बाढ़ का आने कारण अलग होता है, क्योंकि बाढ़ आने कारण क्या होता है, या तो हम उस नदी किनारे अलग अलग घर बना देंगे, उस नदी का जो भी चौड़ाई रहेगा उसको कम कर देंगे, तो इसकी वजह से भी बाढ़ आती है। और साथ ही साथ जो प्लास्टिक होते हैं, जो भी घर का कूड़ा कचरा होता है, वह उस नदी नालों में डालने की वजह से पानी प्रवाह में क्या होती है, बाधा आ जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो सभी आपदाओं के जो कारण होता है वो सबका अलग अलग होता है। पर्यावरण पर आपदाओं का निश्चित कौन से घटकों के पर अधिक परिणाम होने वाला है, यह उस आपदा के स्वरूप में दिखाई देता है। आपदाओं का इस प्रकार भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आपने देखा आपदाओं का वर्गीकरण मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा, तो आपदाओं का और भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे प्रलयकारी आपदा और दूरकालिक परिणाम करने वाली आपदा। प्रलयकारी आपदा किसे कहेंगे, मतलब ऐसी आपदा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहे, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, दावानल हो गया। ठीक है, दावानल मतलब होता है जंगल में आग लग जाना, तो ये जो होती है प्रलयकारी आपदाएँ होती हैं। दूरकालिक परिणाम करने वाली आपदाएँ, दूरकालिक परिणाम करने वाली आपदा मतलब ये आपदाएँ वहाँ के समाज स्तर पर बहुत लंबे समय तक असर छोड़कर जाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें प्रलयकारी आपदा में, तो उड़ीसा में लगातार चक्रवाती तूफान आते हैं और उसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। ठीक है, गुजरात में प्रलयकारी भूकंप आना, लातूर में भूकंप आना, निरंतर रूप से आंध्र प्रदेश के तट पर हर साल मंडराने वाली चक्री तूफान, ये चक्री तूफान की वजह बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ की फसलें क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी, और वहाँ पर क्या होगा, फसलों विकास नहीं होगा और नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इन कारणों से उन भागों में तहलका मचाया है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती, फिर भी सामान्य जनजीवन कुछ समय बाद सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। ये सारी आपदाओं की वजह से, सरकार के अलग अलग कार्यों की वजह से वहाँ पर जो जनजीवन वापस पहले जैसा हो जाता है। दूरकालिक परिणाम मतलब ऐसी आपदाएं जिसका जो परिणाम होगा वो बहुत लंबे समय तक होता है, अर्थात घटनाओं के पक्षात उसका दुष्परिणाम गंभीर होता है। उदाहरण की बात करें अकाल अगर एक जगह कभी हो गया तो उसका परिणाम दीर्घकालिक होगा, फसलों का नुकसान होना, कर्मचारियों की हड़ताल, बढ़ने वाला समुद्र जल स्तर, बंजर रेगिस्तानी भूमि, ये क्या है स्टूडेंट्स, दीर्घकालिक परिणाम। इनका जो ये जो आपदाएँ होती हैं ये लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़कर जाती हैं। इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपदाओं के प्रकार। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, उसके बाद आपने देखा कि प्रलयकारी आपदाओं और दीर्घकालिक परिणाम करने वाली आपदाएं, ये भी आपदा कुछ परिणाम थी। अभी हमको कुछ और प्रकार देखने हैं आपदाओं के। जैसा है पहला भूभौतिक आपदा, जैविक आपदा, बायोलॉजिकल और मानव निर्मित आपदा, मैन मेड आपदा। ठीक है, मतलब भूभौतिक आपदा किसे कहेंगे, जो जमीन की वजह से होती है, ठीक है ना, जो जमीन के अंदर होती हैं आपदाएं, या जो पर्यावरण की वजह से होती है आपदाएं, उसे हम लोग बोलेंगे भूभौतिक आपदाएं। भूभौतिक आपदाओं को दो भाग में बांटा गया है, भूवैज्ञानिक और मौसम विभाग आपदा। भूवैज्ञानिक में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, सुनामी हो गया, भूप्रपात हो गया, भूमिपात हो गया, भूप्रक्षोभ हो गया, प्रस्तर भंग हो गया, विदारण हो गया, धूप हो गया, क्षारीकरण, जल प्रलय, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भूवैज्ञानिक आपदाएं हो जाएंगी। अब आगे अगर हम लोग मौसम विभाग की वजह, अगर मौसम में कुछ परिवर्तन आता है, मौसम में कुछ बदलाव आता है, उसके ठंडी गर्मी बरसात इसके अंदर कुछ प्रभाव आता है, तो उसको बोलेंगे मौसम विभाग की वजह से आने वाली बदलाव। जैसे गर्म और शीत लहर, जैसे बहुत कभी कभी क्या होता है, लू बहती है, लू बहने से क्या होता है, जो खेत में खड़ी फसलें होती हैं वो जल जाती है, बहुत गर्म गर्म हवाएं बहती हैं, और शीतलहर बहना, शीतलहर से क्या होता है, ओ मतलब तुषार की निर्मित होती है, या आप बोल सकते हो उषांग का निर्मित होता है, जिसकी वजह फसलें क्या होती है, नष्ट होती। कक्षा 9वीं में आपने सीखा हुआ है बर्फीले तूफान आना, अतिवृष्टि होना, और चक्रीय तूफान, ओले, अवंशन। अवंशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर अकाल आ जाना या वहाँ पर सूखा पड़ जाना। अवंशन मतलब वहाँ पर सूखा, मतलब बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर सूखा आ जाएगा। ठीक है, अकाल, बाढ़, उल्कापात, सूर्य परिस्थित दाग,
आदि संख्या में परिवर्तन इत्यादि, ये मौसम की वजह से होता है। यानी मौसम में कुछ परिवर्तन आता है तो उस तरह से होने वाली आपदाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, भूभौतिक आपदाएं। अब जैविक आपदा देखो इसमें दो तरह से होता है, एक वनस्पतियों की वजह से होने वाली आपदा और प्राणी की वजह से होने वाली आपदा। तो वनस्पति जन्य आपदा में क्या जाएगा कि जैसे जंगल में दावानल, जंगल में आग लग जाती है, पूरा जंगल क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल परिसंस्था नष्ट हो जाती है और उसके अंदर जो जानवर होते हैं वो जलकर मर जाते हैं। साथ ही साथ कवक जन्य रोग आपने देखा, बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके अंदर फफूंदी लग जाती है, कवक लग जाता है, जिसकी वजह से पूरा खाद्य पदार्थ क्या होता है, नुकसान हो जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए कोई गोडाउन है जहाँ पर क्या रखा, गेहूँ और चावल रखा गया है और उसके अंदर कवक जन्य रोग आ जाते हैं तो पूरा गोदान का जो गेहूं रहेगा या चावल रहेगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फफोला तण फैलाव, जल प्राणी कांग्रेस घास या प्राणी जन्य आपदा में क्या हो जाएगा, संसर्ग जन्य विषाणु, बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जैसे एक विषाणु से रोग हुआ तो उसकी वजह दूसरे को होगा, तीसरे को होगा। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड-19, ये क्या विषाणु जन्य रोग है, इससे क्या होता है, संसर्ग जन्य रोग है। मतलब ये रोग जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे जीवाणु की बात करें तो हैजा, यहाँ पर हैता लिखा हैजा हो गया, हैजा में क्या होता है, बहुत जुलाव होता है या लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, विषम ज्वर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाना, पीलिया, प्लेग, रोग जंतु, कीटक, विषैले प्राणियों दल, टिड्डी दल का हमला, तो आप लोग जानते हैं टिड्डी दल के हमले से क्या होता है, जो उत्तर भारत के इलाके हैं जहाँ राज्य आते हैं वहाँ पर जब टिड्डी दल का हमला होता है तो वहाँ पर जो खड़ी फसलें होती है पूरी की पूरी क्या होती है, खराब हो जाती है। जंगली जानवर का हमला, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा न्यूज चैनल पर कि वहाँ पर एक जंगली जानवर ने छोटे से बच्चों पर क्या कर दिया था, आघात कर दिया था। इस तरह से क्योंकि उन लोगों को जंगल में क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से उनका जंगल छोटा पड़ जाता है और वो जानवर क्या होते हैं, कभी कभी उन जंगलों से बाहर निकल के आते हैं और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं। अकालिनी मानव निर्मित आपदा, अकालिनी मतलब ऐसी आपदा जो मानव द्वारा ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अकालिनी आपदा। हेतु इस पर मतलब जो मानव जानबूझ कर करता है, ये अकालिनी आपदा किसे कहेंगे, जो मानव जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में हो जाता है, और हेतु इस पर मतलब जो मानव जानबूझ कर करता है, ठीक है, मानव जब जानबूझ कर करेगा तो इसको बोलेंगे हेतु इस पर, हेतु पुष्पर, ठीक है, पुष्पर। विषैली गैस का रिजान मतलब विषैली गैस निकल जाना, जैसे परमाणु ऊर्जा प्रकल्प जहाँ पर होती है तो वहाँ पर यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है, तो वहाँ विषैली गैसें निकल जाना या बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ से विषैली गैसें निकलना, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोगों को श्वसन संबंधित अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है। परमाणु परीक्षण अनियोजित क्रिया, जब परमाणु का परीक्षण किया जाता है तो वहाँ पर कोई अनियोजित क्रिया करने की वजह से वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और वहाँ के लोगों पर आघात पहुँचता है। हेतु उस पर मतलब जो मानव जानबूझ कर करता है, जैसे युद्ध ये मानव द्वारा होता है, आग लगा देना कहीं पर, आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के अंदर क्लेश होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे खेतों में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे किसान की साल भर की जो मेहनत होती है वो पूरा आग लगने की वजह से खराब हो जाती है। बम विस्फोट हो जाना, जबरदस्ती किए गए स्थलांतरण, आपने देखा होगा जबरदस्ती स्थलांतरण किया जाता है वहाँ पर मॉल बनाने के लिए या तो बिल्डिंगें बनाने के लिए या तो बांध बनाने के लिए, वहाँ के लोगों को जबरदस्ती क्या कहता है, स्थानांतरण किया जाता है। तो ये भी क्या एक तरह की आपदा है, जब स्थानांतरित व्यक्ति दूसरी जगह जाएगा तो उसको अपना जीवन वापस से शुरू करना पड़ता है। दहशतवाद आप लोग देखा होगा, दहशतवाद, लोग दहशतवाद फैलाते हैं, डरा धमका के उनसे पैसे वसूल करना, उनकी जीवन संपत्ति को हड़पना, ऐसे लोग दहशतवाद फैलाकर भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपदा है। बलात्कार आप देखते रहो, आए दिन आपको न्यूज़ चैनल पर, टेलीविज़न पर आपको बलात्कार जैसी घटनाएँ सुनाई दे रही हैं। बाल मजदूरी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध ना होने की वजह से लोग बाल मजदूरी करना पसंद करते हैं और बाद में जाके वो जब ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते तो वे लोग क्या करते, गलत कार्यों का इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं। तो इसमें से यहाँ तक आपको समझा कि आपदाओं के प्रकार क्या हैं, भूभौतिक आपदा, जैविक आपदा और मानव निर्मित आपदा। आज हमने क्या सीखा कि आपदा किसे कहते हैं, आपदाओं की वजह से हमारे आसपास की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, आपदा के प्रकार कितने होते हैं, मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा विनाशकारी आपदाएं किसे कहते हैं, फिर दुर्गामी प्रभाव डालने वाली आपदा किसे कहा जाएगा, फिर हमने आपदाओं के अलग और भी प्रकार देखे, भूभौतिक आपदा देखा, जैविक आपदा देखा, प्राणीजन्य आपदाएं। तो प्राणीजन्य में मतलब मानव निर्मित आपदा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी आपदाओं के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में बात किया है।
तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और यदि स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारी वीडियोज़ मेरी देख पाओ। कमेंट करके अपनी राय दीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।